जय हिंद बच्चों, आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। व्याकरण कुटीर कक्षा 4, क्लास 4th की व्याकरण कुटीर। इसमें आपका पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे आपके पहले चैप्टर के माध्यम से। सबसे पहला आपका पॉइंट है पेज नंबर 5 पे, सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा बेटे वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। एक दूसरे के अंदर जो भाव होता है, जो मन का भाव है, वो एक दूसरे के जो आदान प्रदान होता है, आप मुझसे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, इसी को भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ है बोलना। बोलचाल वह बातचीत ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। न केवल मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षी भी विभिन्न संकेतों व बोलियों के द्वारा अपनी बात आपस में करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मैं खेलने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे आपके फिगर में दिया गया है, जो आपका यहाँ चित्र बना हुआ है, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, अतः हम कह सकते हैं, और ऊपर से ये गाय के माँ, हो। सांकेतिक भाषा भी है इसमें, लिखित भाषा भी है और मौखिक भाषा भी है। लिख के बच्चा बता रहा है, ये लिखित हो गया, मुंह से बोल रहा है, ये मौखिक है, और इसमें जो माँ जो ये गाय बोल रही है, ये सांकेतिक भाषा के रूप में है। ये संकेत से बता रही है, अपना हंसना बोलना या खाने के लिए चारा मांगना, ये संकेत के माध्यम से अपनी बात को बताती है। भाषा के रूप, लिखित भाषा या भाषा अपने अधिक प्रचलित रूप में इसमें अपनी अपनी बात बोलकर प्रकट की जाती है। जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तो इसे संवाद कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं? जब आपसे कोई पूछता है कि संवाद किसे कहते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, एक बात को कहता है, दूसरा सुनता है, फिर उसकी बात को सुन करके फिर उसका जवाब देता है, इसी को हम संवाद कहते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं या अनुवाद बोलते हैं। संवाद, संवाद को ही डायलॉग कहते हैं। भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, रेडियो की भाषा आदि मौखिक भाषा के रूप में इसको अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोग प्रयोग कर सकते हैं। लिखित भाषा, जब मन की बात या विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जब हम कोई बात लिख करके प्रकट करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा आपका क्या होता है? जब कोई बात हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं तब हम उसे लिखित भाषा, जैसे देखो नेताजी कह रहे हैं, इसमें दो उंगली उठाकर, दो उंगली आपका जो है वो विजय का प्रतीक होता है, इसलिए जीत का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा गया है सांकेतिक भाषा में। लिखित और मौखिक भाषा के अतिरिक्त भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में अपनी बात संकेतों इशारों के माध्यम से बताई जाती है। हालांकि व्याकरण में सांकेतिक भाषा पर विचार नहीं किया जाता, लेकिन इस भाषा का अपना विशेष महत्व है। जब विशाल जनसमूह तक अपनी बात पहुंचानी हो तो सांकेतिक भाषा पर बहुत काम आती है। उदाहरण के लिए कोई नेता अपनी अंगुलियों से वी बनाकर जीत का संकेत करता है, या फिर कोई अभिनेता भीड़ की तरफ हाथ मिलाकर उसका अभिवादन करता है। चौराहे पर बड़ा सिपाही खड़ा सिपाही भी वाहनों के शोरगुल के बीच हाथ के संकेतों से यातायात को सुचारू रूप से चलाता है। मूक बधिर, मूक मीन्स न बोलने वाला, बधिर मीन्स न सुनने वाला, लोगों के लिए तो सांकेतिक भाषा बहुत काम आती है। इस प्रकार के व्यक्ति विशेष संकेतों को सीखकर आपस में पूरी बातचीत कर लेते हैं। अब हम आइए देखते हैं पेज नंबर 7 पर लिपि। लिपि क्या चीज होती है? मौखिक ध्वनियों को लिपि लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग हो सकती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा,
संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है क्योंकि संस्कृत से हिंदी आई है। उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी, नेपाली की देवनागरी और मराठी की देवनागरी लिपि है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, समस्त संसार के अनेकों भाषाएं बोली, समस्त संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकतर देशों की अपनी विशेष भाषा है। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। चूंकि अंग्रेजी दुनिया के अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें राज का काम काज सुचारू रूप से चलता है, जिसमें राज के ऑफिस का, किसी राज्य के ऑफिशियल काम काज जिस भाषा में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। व्याकरण, व्याकरण को हम संस्कृत में वैयाकरण भी कहते हैं। प्रत्येक भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए उस भाषा का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के इसी विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा के नियमों का वह ज्ञान जिसमें हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अब देखो नीचे दिया गया है व्याकरण। व्याकरण के मूल तीन विभाग होते हैं। वर्ण विचार, वर्णों के विचार इसमें किए जाते हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार इसमें तरह तरह के शब्दों की रचना व उत्पत्ति के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों व उनके रचना संबंधी नियमों पर विचार किया जाता है। अब हम आइए जाने, हमने क्या जाना। आपके इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। हमने क्या जाना में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता, रेडियो की भाषा आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। पत्र, निबंध, लेख लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। मूक बधिरों के संकेत व चौराहे के सिपाही के संकेत भाषा के सांकेतिक रूप हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। आप लोग इसे कंठस्थ करेंगे, लर्न करेंगे इन 7ों पॉइंटों को, फिर आपका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य आप लोग सेल्फ करेंगे, घर पे बैठकर आप लोग इसे होम असाइनमेंट के रूप में इसे इसका वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।